नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जानिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया राहुल गांधी के सवालों का जवाब। लोकसभा टीवी के सौजन्य से देखिए खास पेशकश पल पल की रिपोर्ट में। आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जिस धैर्य के साथ आपने सदन का संचालन किया है, यह अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण शक्ति का परिचायक है। भले TDP के माध्यम से ये प्रस्ताव आया हो, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बातें कही हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने प्रस्ताव का विरोध करते हुए बात कही है। मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब इस प्रस्ताव को खारिज करें और हम सब 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत के साथ बनी हुई सरकार को जिस गति से काम किया है उस पर फिर से एक बार विश्वास प्रकट करें। वैसे मैं समझता हूं ये एक अच्छा मौका है कि हमें तो अपनी बात कहने का मौका मिल नहीं रहा है, लेकिन देश को ये भी चेहरा देखने को मिला है कि कैसी नकारात्मकता है, कैसा विकास के प्रति विरोध का भाव है, कैसे कैसे नकारात्मक राजनीति ने कुछ लोगों को घेर के रखा हुआ है और उन सब का चेहरा निखर करके सज धज करके बाहर आया है। कईयों के मन में प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों, न संख्या है न सदन में बहुमत है और फिर भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया क्यों गया, और सरकार को गिराने की इतना ही उतावलापन था तो मैं हैरान था कि सामने इसको 48 घंटे रोक दिया जाए। चर्चा की जल्दी जरूरत नहीं है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या आसमान फट जाएगा, क्या भूकंप आ जाएगा, क्या न जाने। अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दो तो फिर लाए क्यों। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको टालने की जो कोशिश हो रही थी वो भी इस बात को बताती है कि उनकी क्या कठिनाई है। न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर
ये कैसा सफर है। कभी तो लगता है कि ये सारे जो भाषण मैं सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है। और न ही ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। मोदी हटाओ और आप सुबह तो मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो, यहां कोई उठा सकता है ना बिठा सकता है। 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है। और यह अहंकार ही है जो कहता है कि हम खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री 15 मिनट तक खड़े नहीं हो पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय।